हमें जो बताया गया पहले, अब वो कितना रेलेवेंट है अभी तक उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कानूनी रास्ता जो है वो लादर बेंच के सामने अपील करेंगे, वो पिटीशन भी शायद तैयार हो रही हो। लेकिन दोबारा मैं कहूंगा कि कानूनी टीम जो है नून लीग की, अगर वो ये जज करने से काफिर रही अभी तक के तीन रुकनी बेंच का फैसला होगा या पांच रुकनी बेंच का फैसला होगा, तो फिर वो कानूनी तौर पर कितनी समझबूझ के साथ नवाज शरीफ को इसके ऊपर गाइड कर सकेगी, दिस वी डोंट नो। तो एक पिटीशन लार्जर बेंच के सामने वो करेंगे, मुतबादल वजीर आजम के लिए भी आखिरी मिनट में मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में सबसे बड़ा स्मोकिंग गन था कि कल फैसला आने वाला है, और ये भी स्मोकिंग गन है कि शायद कल फैसला क्या होगा। उन्होंने बहुत जांच के, पहले कभी कमर में दर्द कभी सर में दर्द, पोस्टपोन करते रहे, और सबसे बड़ी खबर से बिल्कुल पहले चंद घंटे पहले उन्होंने अपना माइंड बता दिया, तो अब उसको बुनियाद बनाया, तो फिर जाहिर होता है कि फैसला क्या आने वाला। बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब।